वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स में आपका टॉपिक है बेटा व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, आफ्टर मीन्स क्या होता है? आफ्टर मीन्स होता है बेटा बाद में। ठीक है, अब देखिए आपसे इसमें क्या कहा गया है, व्हाट कम्स मीन्स क्या आता है आफ्टर, बाद में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने आपको कुछ डिजिट दी हुई है, तो आपको क्या करना है, उसके सामने आपको यहाँ एक सामने बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, ये आप डिजिट देखेंगे और इस बॉक्स में इसके बाद, ठीक है, आने वाली जो डिजिट है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है 8, ठीक है, 8 के सामने क्या है, एक यहाँ पे बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हम उसको फिल करेंगे कि 8 के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है जैसे 8, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 19, यहाँ पे 22, और यहाँ क्या है 28, यहाँ 33, और फिर 42, और लास्ट है आपका 49। ठीक है, तो आप इन बॉक्स में इन संख्याओं के बाद आने वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 8, तो आप यहाँ इस बॉक्स में क्या भरेंगे, इसमें आप भरेंगे 9, क्योंकि 9 जो है वो 8 के बाद आता है। ठीक है, 8 के आफ्टर क्या आता है, 9 ही तो आता है, तो यहाँ पे हम 9 फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस यहाँ नेक्स्ट में इसमें करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 12 है। ठीक है, क्या है 12, तो इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में हम भरेंगे बेटा 13। ठीक है, क्या करेंगे 13, क्योंकि 12 के आफ्टर 13 आता है, तो यहाँ पे हमने 13 फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है 19 है, 19 के बाद क्या आएगा 20, क्या आएगा 20, तो यहाँ पे हम इसमें 20 को फिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 19 के बाद 20। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 22, अब इस बॉक्स में हमको 22 के बाद वाली संख्या को ऐड करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 23, क्या लिखेंगे 23, क्योंकि 22 के बाद आता है 23। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या है 28 है ना, तो इस बॉक्स में हम फिल करेंगे 29, क्या है 29, क्योंकि 28 के बाद आता है 29। फिर यहाँ क्या है 33, ठीक है, 33 के बाद इस बॉक्स में फिल करेंगे हम 34 यहाँ पे, क्योंकि 33 के आफ्टर 34 आता है। फिर यहाँ पे 42, अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, 42 के आफ्टर आएगा 43, यहाँ पे फिल कर देंगे हम 43। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आपका 49। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो आपने यहाँ पे किया है वही आप इसमें भी करेंगे, तो 49 है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 50। ठीक है, इस तरीके से आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो गया है। आपका जो आज टॉपिक था व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जो है अपने आपका यूनिट टेस्ट जो है बेटा इसी जनवरी में है, तो उसकी आप पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैथ में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।